वेलकम टू डब्ल्यू वेब टीवी, हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको हमारी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से बहुत बहुत न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो। और उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम से हम बहुत बरकत आज पाएंगे। हमने देखा कि बड़ी धूमधाम से क्रिसमस को इस दफ़े मनाया जा रहा है। And I believe the truth of the living God has been spreaded and sown into the lives of people, and people are just celebrating because they are excelling in the truth. So aaj ka jo hamara subject hai ya aaj ka title hai is program ka, wo hai the word became flesh, khudaavand mujassam hua। ओके, यूहन्ना का पहला बाप और उसके पहली वर्ष में लिखा, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था, सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और खुदावंद यीशु मसीह के ही लिए ये पैदा हुई हैं। अजीज़ों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पाक हाथों से ये चीज़ें पैदा हुई हैं, बनाई गई हैं और उसके वसीला से कुलसियों की किताबें लिखी, ये उसी के लिए पैदा की गई हैं। और अब हम देखते हैं कि इसमें जो है इन द बिगिनिंग, इब्तदा में कलाम था। इब्तदा जो है हम देखते हैं कि पैदाइश की किताब में भी है, वहाँ पर इब्तदा में खुदावंद ने कलाम किया और कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। इब्तदा का जो है जेनेसिस की इब्तदा, पैदाइश की किताब उसका पहला बाब पहली वर्स में जो वहाँ पर जो हम देखते हैं बिगिनिंग जो है इब्तदा है, वो खुदावंद कलाम जब किया है तो चीज़ों को वजूद में, क्रिएशन को वजूद में लाने के लिए किया है। लेकिन आखिरी ज़माने में खुदावंद कलाम खुद, जिंदा कलाम खुद चल के आसमान छोड़ के, अपना तख्त छोड़ के ज़मीन पर आया और बनी नौ इंसान से मुलाकात की, और यही हम आज मनाते हैं। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, यूनिक एंड प्रोफाउंड, जो किसी और मज़हब में, किसी और फेथ में हमें नहीं मिलती ये चीज़। यूनिक हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह का आना और खुदा यीशु मसीह का कंसीव होना, पैदा होना, हर चीज़ अलहदा है, हर चीज़ यूनिक है। अब हम इस पर आते हैं। जो कलाम है, द वर्ड, इसको ग्रीक ज़ुबान में लोगोस कहते हैं, जिसका मतलब है मैसेज, कम्युनिकेशन। और लेकिन यूहन्ना की इंजील में इसको खुदा यीशु मसीह की तरफ जो है इशारा किया गया कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुद खुदा था। यही जो कलाम है चलकर इंसान के पास आया है, और इस कलाम ने आके हम गुनाहगारों से मुलाकात की है। अब हम देखते हैं कि हमारी जो हालत, जिस हालत में हम थे वो क्या थी। गुनाह ने, द सिन हैड सेपरेटेड द फर्स्ट एडम फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ गॉड, एंड जो खैसम था, जो एक डिफरेंस हमारे इंसान और खुदा के बीच में था, वो खुदा ने कलाम को भेज के, कलाम को, अपने बेटे को इंसान के और खुदा के बीच में एक ब्रिज को बनाया। और वो ब्रिज आज आके हमारे पास खुद आई, हमें खुदा के पास लेके जाने के लिए। ओके, हम देखते हैं कि जब हम खुदा से सेपरेट हो गए थे, इस काबिल नहीं थे, हमें खुदा ने किस हालत में आके पाया है, जब हम गुनाह में थे, जब, और रोमियो की किताब में लिखा है कि खुदा ने जब हम गुनाही में थे हमें अपना लिया, हमसे प्यार किया। सो खुदावंद हम तक यीशु मसीह आए हैं मोहब्बत का पैगाम लेके, खुदावंद हम तक सच्चाई को जाहिर करने के लिए आए, जिंदा कलाम हम तक पहुँचे इसलिए ताकि वो हम तक सच्चाई को पहुँचाए। और वो सच्चाई खुदावंद यीशु मसीह जिंदा कलाम के अंदर है, क्योंकि वो नजात दहिंदा है। और खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा कलाम के का नाम है यीशु मसीह, जिसका मतलब है बचाने वाला, नजात देने वाला, आज़ाद करने वाला। हालेलुया। हम देखते हैं कि ये जो सेपरेशन है, खैज़म जो है, वो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी हम तक पहुंच के, खुद सफ़र करके एक तख्त को छोड़ के
अपने उस आसमानी तख्त को, जलाली तख्त को छोड़ के ज़मीन पर आके हमसे मुलाकात की। हैव यू एवर सीन एनीथिंग लाइक दिस? हम देखते हैं यहाँ पर ह्यूमैनिटी और ह्यूमिलिटी खुदावंद की जो है बहुत ही जो है यूनिक है। मैंने आज तक ऐसे नहीं देखा कि कोई बादशाह जो है झुक कर किसी को मिले, आज तक नहीं देखा। लेकिन ये जो बादशाहों का बादशाह है, जो खुदावंदों का खुदावंद है, आज उस इंसान से जो बदकार था, जो गुनाह में डूब गया था, मुब्तला था, उसको गले से लगाने के लिए और अपने आप को एक इंसानी शक्ल में इंसान तक लेके आया, मुजस्सम हुआ। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि कलाम मुजस्सम हुआ, और जब कलाम मुजस्सम हुआ है, वो बदन में उसने एक बदन की शक्ल इख्तियार की है, वो हम जैसा बना है। उसने अपने आप को ऊंचा नहीं समझा, अपने आप को अलहदा नहीं समझा, बल्कि उसने इंसानी शक्ल को अपना के इंसान तक पहुंचा, इंसान से मुलाकात की और इंसान को गले लगाकर खुदावंद तक लेके जाने का पूरा काम किया। ही इज़ अ गॉड हु इज़ परफेक्ट एंड यूनिक। ये वो खुदा है जो हर अपने काम में जो है परफेक्ट है। ही इज़ द ऑथर एंड द फिनिशर, इज द बिगिन एंड द एंड। इसके जैसा ना कोई था और ना कोई है और ना कोई होगा। हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हम तक सच्चाई को लेके आए, और वो सच्चाई जो है ये है कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा बाप का रूप है, खुदावंद बाप की शक्ल है। और हमने पुराने ज़माने में नबियों के वसीले सुना खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, ज़िंदा कलाम के बारे में, लेकिन अब ज़िंदा कलाम हम तक खुद पहुंचा, खूबसूरत पैगाम को लेके, मोहब्बत के पैगाम को, सेल्वेशन के पैगाम को। नाउ नजात का पैगाम हम तक पहुंच चुका है यीशु मसीह के वसीले से। एक नजात दहिंदा पैदा होगा जो तुम्हें बचाएगा, और ये एक ऐसी एक ऐसा तोहफा है जो किसी भी दौलतमंद को नहीं मिल सकता। उसकी दौलत के वसीले ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमें मुफ्त दिया है। और इसको अपनाने के लिए या इसको लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें खुदावंद को जो है रेकग्नाइज़ करना पड़ेगा, इस मोहब्बत के पैगाम को रेकग्नाइज़ करना है। ज़िंदा कलाम की पहचान को पहचान होनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम ज़िंदा कलाम की पहचान कर लेते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें करनी होंगी। वो ये कि खुदावंद यीशु मसीह ने हम तक जो है सच्चाई को रिवील कर दिया है, और अब सच्चाई को हमने जब जान लिया है तो ये चीज़ें जो है हमें करनी होंगी। वी हैव टू रेकग्नाइज दैट ही इज़ द लिविंग वर्ड, ठीक है, और जो यही है जिसमें, इस जिंदा कलाम में ही हमारी हमेशा हमेशा की ज़िंदगी छुपी हुई है। ओके, ना अगर हम इसको पहचान लेते हैं तो फिर हमें जल्दी से कबूलियत का वक्त खुदा के कलाम में लिखा है आ जाए, तो जल्दी से हमें जो है तौबा करनी चाहिए अपने गुनाहों से और अपनी पुरानी ज़िंदगी से। और जब हम तौबा कर लेते हैं तो फिर हम खुदावंद के साथ रिकनसाइल हो जाते हैं, खुदावंद के साथ हमारा मिलाप हो जाता है। फिर जब खुदावंद का इकरार करते हैं हम, तो मिलाप हो जाते हैं, हम बाप उस जिंदा कलाम के बेटे कहलाते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया खुदावंद के बेटे होने का उनको हक बख्शा गया है। ना ये खूबसूरत चीज़ जो है हमें बिल्कुल फ्री मिली है, और जैसे ही हम न्यू ईयर में अब दाखिल होते हैं इस चीज़ को जानते हुए कि ये मुफ्त हमें जो है तोहफा मिला है, इसको हमने गंवाना नहीं है, मौके का पूरा पूरा फ़ायदा हमने उठाना है। और मेरी ये आपसे दरख्वास्त है कि जब हम इस नए साल में एंटर करते हैं तो ज़ाहिर है हर एक ने कोई ना कोई जो है अपनी जो है रेजोल्यूशंस रखी हैं, और आपने भी रखी होंगी। सो जैसे ही हम इस न्यू ईयर में एंटर होते हैं, जस्ट सेलिब्रेट द किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, जिसने इतना बड़ा तोहफा हमें दिया है, अपनी ज़िंदगी का तोहफा, अपनी इज्जत का तोहफा, अपने तख्त को छोड़कर नीचे आने का, अपने छोटे होने का तोहफा।
हमसे मुलाकात की, हम इस काबिल नहीं थे। ये बहुत ही अजीम तोहफा है। इसके लिए हम जो है, जैसे ही हम एंटर होते हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि 2 मिनट के लिए हम जो है इसको इस तरह शुरू करते हैं। नए साल में जब हम एंटर होते हैं, सो आई वांट यू टू वेयर एवर यू आर, आप दुनिया के किसी कोने में भी हैं, किसी चर्च से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर भी हैं, यू मस्ट एंटर by praising and thanksgiving the living God. Just tell the Lord, oh my Lord, I am so grateful to you for coming to me. I was a sinner and you have rescued me from the territory of sin. And now I am your son, I am your daughter. Oh, thank you, Jesus, for coming and loving me. I did not deserve that, but you are awesome God. इसी तरह अजीजों, हम जब इसको शुरू करते हैं, तो अगर आप चाहें तो हम इसको मिलकर जो है न्यू ईयर में एंटर होने की एक प्रेपरेशन कर सकते हैं। विल यू डू दैट विथ मी? एंड आई एम श्योर दैट यू विल बी ऑल ब्लेस्ड। आप घरों पर या किसी भी जगह पर, चर्चेस में, किसी ग्रुप्स के तौर पर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सो व्हेन यू एंटर द न्यू ईयर, जैसे ही आप न्यू नए साल में दाखिल होते हैं, सो जस्ट प्रेज लाइक दिम, यू नो, हमें हमारी वैल्यू बहुत बड़ी है। अगर एक बादशाहों का बादशाह, राजाओं का राजा हम को मिलने आया है और हमसे मिलाप करने आया है, कितनी बड़ी, कितने बड़े हमारे लिए एज़ाज़ की बात है, कितनी बड़ी बात है, कितनी इज्जत की बात है, कितना बड़ा रुतबा उसने हमें दिया है अपने बैठे होने के, जिंदा कलाम ने। सो जिंदा कलाम आज जब हम तक पहुंचा है, जिंदा कलाम ने हमें खुदावन, हमारी खुदावन के साथ पहचान कराई, हमें लाभ करवाया और हमें नजात का तोहफा दिया है। तो आइए हम नए साल में जो है बिगिनिंग, इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुद खुदा था, और शुरू में खुदावन ने जो कलाम किया वो सिर्फ बिगिनिंग थी, लेकिन आखिर में जो आखिरी दौर में जो कलाम हुआ वो है द न्यू बिगिनिंग। नाउ द न्यू बिगिनिंग, यू आर एंटरिंग इनटू अ न्यू ईयर दिस ईयर 2015, एंड व्हेन यू एंटर इनटू दिस न्यू ईयर, लेट्स जस्ट डू दिस। एक हमारे पास गिफ्ट है, पाकरू ने जिनके जिनके बैप्टिज्म हुए हैं पाकरू के, उनके पास बड़ा अच्छा एक गिफ्ट है। हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड प्रेजिंग इन द स्पिरिचुअल रैम? एक रूहानी वे से आपने खुदावंद की कभी प्रस्तिश की है? रूहानी आलम में जाके रूहानी जुबान में आपने खुद कभी खुदावंद की प्रस्तिश की है? अगर अजीज़ों नहीं की, तो आप अपने आप को, अपनी वैल्यू को पहचानिए। खुदावंद यीशु मसीह ने आपकी जो है वैल्यू को जो है एस्टेब्लिश किया है, अब आपने पहचाना है, और आप इस तरह अब से न्यू ईयर में 2015 में आपने इस तरह खुदावंद की तारीफ करनी है। और इसको आई एम श्योर कि जब आप इस तरह प्रेज करेंगे खुदावंद की, तो आपको बड़ी बरकत मिलेगी। लेट्स जस्ट प्रेज गॉड, हालेलुया। ओसाना सोरे मस्तो होरोसाना सिया is a wonderful God, hallelujah. हम जितनी भी उसकी तारीफ करें कम है, वो जिंदा खुदा है, वो हमारा बादशाह भी है, वो हमारा खुदा भी है। ही इज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ही इज़ द किंग, हालेलुया। लेट्स जस्ट प्रेज हिम, हम उस जिंदा खुदा की प्रस्तिश करें, प्रेज करें। यहोलो मसेंद्री अलो मसोरी अला ला 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 बस्या, ए बादशाहों के बादशाह, ए जिंदा कादर मुतल खुदावंद, हालेलुया। जिंदा कलाम तू हम तक खुदावंद खुद चल कर आया, हम तेरी तारीफ करते हैं। रोबो सोंदो लो मसेरी अला ला 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 बस्या, ओ शाहाना सोरो साना माखबा, इलोही माखोरे राजबा, वलकिल्ला लाशारो हुमा, इलोही महाबे शुल्ला रासामा। यकूबो खुदा है अजीम, यकूब अलखुदु बिलखीम सरा, फीम तो खुलु अलबरासमा। यो हो, मेरे साथ प्रस्तुत कीजिए, मेरे साथ खुदा की तारीफ कीजिए इस खूबसूरत जुबान में जो फरिश्तों की जुबान है।
जो एंजेलिक लैंग्वेज है, जिसका जिससे हम खुदावन के साथ कनेक्ट होते हैं, खुदावन से बातचीत करते हैं, आज हम खुदावन की शुक्रगुजारी इस जुबान में करें। रोबोसोन दोरो सारा माखलमा शराबासा इमोहन दोरो बासीरा ओ शले महिंदरबा रब अलकदूस मखरबतुल्ल शाही अजीम तखुल बेदरस्ती अलबा खंदरा इब्रो सुंदोलोलोबसरिया। ए खुदावन, आज मेरी ये दुआ है कि जितने भी हमारे अजीज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ऑल दोज हु आर वॉचिंग दिस प्रोग्राम, फादर एज दे आर अबाउट टू एंटर इनटू ईयर 2015, फादर आई pronounce that this year will be a blessed year for them. Father, I pronounce that, Father, they will not lack anything. Oh, Father, Lord, my God, that you will be more closer to them and you will draw them near to you and they will worship you in spirit and in truth. Khudaan, jitne log khudaan kisi tarah se bedil hain, pareshan hain, khudaan jo musibton mein rahe in 2014, but Lord, I speak the power of God over every family, over Father, all the couples, Father, खुदावंद बाप जितने भी जोड़े हैं, मैं उनके ऊपर खुदावंद बरकत चाहती हूँ। खुदावंद वो ये 2015 में खुदावंद टूटे रिश्ते जुड़ जाएं और खुदावंद जो भटक गए वो फिर से आपके करीब आ जाएं, और खुदावंद जिनके पास किसी तरह की खुदावंद कोई परेशानियाँ बीमारियाँ, ऐ खुदावंद वो आपके खुदावंद उस जिंदा और कदूस और जलाली खुदावंद कलाम से ज़िंदगी पाएँ। खुदावंद आपका ज़िंदा कलाम इज़्ज़त पाए इस खुदावंद प्रोग्राम के वसीला से। आपके ज़िंदा कलाम के आगे हम झुकते हैं। आपने अपने ज़िंदा कलाम को हालेलुया, यू हैव एग्जॉर्टेड योर वर्ड अबव एवरी नेम, फादर, योर एवरी नेम, एंड आई गिव यू प्रेज फादर लॉर्ड माई गॉड, यू आर ऑसम जीसस, ओ हालेलुया। और अब मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि हमने ये 2014 में बड़ी बरकत पाई है आपके साथ। खुदावंद जिंदा खुदा, इब्राहिम, इसहाक और यकूब का खुदा आपके साथ अब से लेकर हमेशा तक होता रहे, आपके घरों में किसी चीज़ की कमी ना आए। ये 2015 आपके घरों में वो बरकतें लेके आए जो आपने ना कभी देखी हैं, ना सुनी हैं, ना आपके दिल में उतरी हैं। ये खुदावंद उनको देते हैं जो खुदावंद से मोहब्बत रखते हैं। गॉड ब्लेस यू। एंड इस प्रोग्राम को अगर आपने देखा है और आपको बरकत मिली है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट www.wwebtv। इस खूबसूरत चैनल के लिए आप दुआ करते रहिए। ये चैनल जो है खुदावंद के कलाम को फैलाने के लिए एस्टेब्लिश हुआ है, एंड इस चैनल के लिए दुआ भी करें और इसके लिए बरकत भी चाहें। गॉड ब्लेस यू। वी विल स्पीक टू यू एंड सी यू वेरी सून।